किसी ने सच ही कहा है, सफलता संसाधनों का मोहताज नहीं होता। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है रामनगर प्रखंड के मंगरूराहा गांव के रहने वाली जगदीश कुशवाहा की बेटी डॉक्टर रीमा कुमारी ने। रीमा ने अपनी प्राथमिक शिक्षा गांव से ही शुरू किया और अभी पढ़ लिख कर भागलपुर के बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट के पद पर चयनित हुई है। रीमा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिजनों को दिया है, जिनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमित कुमार ने। सच ही कहा है कि सफलता संसाधनों की मोहताज नहीं होती है। कुछ ऐसा ही करके दिखाया है रामनगर की बेटी डॉक्टर रीमा कुमारी ने। आज वह घर पर वैज्ञानिक बनकर लौटी हुई है। आज हम उनसे बात करेंगे कि वह जब वैज्ञानिक बनकर लौटी हुई है तो किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा है उनको वैज्ञानिक बनने में, और आज की लड़कियों के लिए वो क्या संदेश देना चाहेंगी वैज्ञानिक बन के लौटी हुई है गाँव में। क्योंकि हम मिडिल क्लास से बिलोंग्स करते हैं, तो स्टार्टिंग से ही पढ़ाई पीरियड से ही हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो था ही, साथ ही एक लड़की है तो हमारे परिवार पे हमारे ऊपर बहुत तरह का प्रेशर आता था, जैसे शादी करना है शादी करना है। लेकिन हमारे पेरेंट्स और हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते हुए पढ़ाई में कंटिन्यू करती रही, और हमारे पेरेंट्स ने मेरा पूरा सपोर्ट किया। जहाँ जब उनकी ज़रूरत पड़ी उन्होंने हमारे लिए तत्पर रहे, और आज हमने साइंटिस्ट बना है और मैं आज घर लौटी हूँ। और मैं स्पेशली गर्ल्स कैंडिडेट से अपील करूंगी कि वो आगे बढ़े, हमारे जैसा साइंटिस्ट बने। अगर उन्हें कहीं किसी चीज़ को ज़रूरत होती है, कहीं प्रॉब्लम है, तो हमसे कांटेक्ट करें, हम उन्हें हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अपने परिजनों के लिए क्या कहना चाहेंगे, काफ़ी मेहनत करके आपको पढ़ाया? एक्चुअली मेरे साथ साथ मेरे परिजन भी बहुत खुश हैं। वो जो चाहते थे, मैं जो चाहती थी, आज हमने वो सक्सेस कर दिखाया है, और हम चाहेंगे कि वो सभी परिजन अपने अपने बेटियों को पढ़ाएं, सभी परिजन गांववासी सारे अपनी अपनी बेटियों को पढ़ाएं। तो बता दें आपको कि डॉक्टर प्रोफेसर रीमा थी जो वैज्ञानिक बन के गांव में लौटी हुई है। गांव में काफ़ी ज़्यादा खुशी है, इनके परिजन भी काफ़ी ज़्यादा खुश है। बता दें आपको कि जिस तरह से इन्होंने वैज्ञानिक बन कर लौटा है, वह एक बेटियों के लिए पॉजिटिव संदेश देना चाह रही हैं और कहना है कि बेटियों को पढ़ाएंगे तो वो भी एक कामयाबी हासिल करेंगी। अमित कुमार, रामनगर।